Welcome to Shoaib's art lesson. And today we will be studying the third part of Alfred Hitchcock. And we will find out the technical aspect of Alfred Hitchcockian films. Okay, reoccurring motives बहुत ज्यादा होते हैं फिल्म में. एक ऑर्डिनरी मैन होता है जो किसी तरीके से एक इंट्रूज का शिकार हो जाता है एंड वो जो है वो बड़ा उस इंट्रूज का अंदर कॉन्फ्लिक्ट देयर आर कपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि सराउंड कर जाता है इस इंसान को. लाइकेबल विलन्स होते हैं. पोर्ट्रेल ऑफ अ विमेन हमेशा ब्लॉन्ड्स होती हैं जैसे आइस मेडन, लॉ ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, ग्रेस कैली, किम नोवाक ऑफ दिस वर्टिगो एंड टिपी हेडन. तो ब्लॉन्ड एक्ट्रेस अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म्स में हमेशा कास्ट होती हैं. मदर्स का कैरेक्टर्स होता है. स्टेयर वेज हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बर्ड्स जो हैं उनके स्टैचूज एंड उनके मॉडल्स जो हैं वो हमेशा आपको सेट पे जो है वो बड़े कॉमनली नजर आएंगे. मदर जो है उनके साथ एक इमोशनल बाउंड्री बॉन्डेज है अल्फ्रेड हिचकॉक का और अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में हमेशा मदर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. आपने साइको फिल्म में देखा है और कपल ऑफ फिल्म जो है उसके अंदर मदर का एलिमेंट जो है वो अल्फ्रेड हिचकॉक का जरूर नजर आता है. Narrative structure, innocent man on the run, likable to a, linked to a woman. एक इंसान जो के हमेशा usually innocent होता है और वो एक women से linked up हो जाता है. A man who knew too much. और Vertigo film में इसी plot के ऊपर, इसी narrative structure के ऊपर जो film है उसको बनाया गया है. Showing rather than telling a story, Alfred Hitchcock हमेशा में बताते हैं कि film और drama का जो basic difference है वो ये है कि film में आप हमेशा करके आप ड्रामे में हमेशा बोल के दिखाते हो यानी थ्रू डायलॉग डिलीवरी. एंड फिल्म इज अ विजुअल कम्युनिकेशन. फिल्म का जो मोड होता है वो एक विजुअल कम्युनिकेशन है और फिल्म में हमेशा आप दिखाते हो. फिल्म में स्टोरी को आगे लेके चलने के लिए आपको डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती, आपको विजुअल कम्युनिकेशन जरूरी होता है. शोइंग रादर देन टेलिंग अ स्टोरी यूजिंग विजुअल मीडियम कैमरा टू कन्वे द स्टोरी इन प्लेस ऑफ डायलॉग्स. यानी rather than through dialogues you need to tell the story through visuals. जैसे Vertigo film के अगर हम example लें तो Vertigo film में जब detective अपने friend की wife को chase कर रहा है और उसको ये task मिला है कि वो उसको monitor करे तो वहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है. 10 से 12 मिनट तक उसकी एक्टिविटीज दिखाई हैं कि वो सुबह उठती है, वो कहाँ जाती है, वो ग्रेवयार्ड जाती है, वहाँ बैठती है, फिर वो एक आर्ट म्यूजियम में जाती है, आर्ट गैलरी में जहाँ वो आर्ट के एक पेंटिंग के आगे बैठती है, फिर वो एक होटल जाती है और इस तरीके से उसके पूरे दिन की एक्टिविटी है जिसको मॉनिटर किया जा रहा है विदाउट सेइंग अ सिंगल डायलॉग, विदाउट स्पीकिंग अ डायलॉग. सो दिस इज द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक जिसमें डायलॉग बोले बगैर विजुअल कम्युनिकेशन में अल्फ्रेड हिचकॉक चीजों को कम्युनिकेट करता है. साइको फिल्म में नॉर्मन बेट की मदर की एग्जांपल लें तो वहां पे हमें कहीं मदर की मदर से रिलेटेड सिनेरियो नजर नहीं आता लेकिन विजुअली इतना स्ट्रॉन्ग सिनेरियो क्रिएट किया है कि जब डिटेक्टिव घर में आता है और जब मैरिलिन की बहन घर पे आती है एंड में तो विदाउट स्पीकिंग अ डायलॉग, विदाउट एनी डायलॉग कम्युनिकेशन विजुअली फिल्म की कहानी को ऑडियंस को एक्सप्लेन कराया गया है. ओके, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हमेशा कैमियो अपीयरेंसेस होती है. अल्फ्रेड हिचकॉक अपनी फिल्म के अंदर हमेशा एक छोटा सा कैमियो अपीयरेंस जरूर देते हैं. 2 से 3 मिनट का कभी होता है, कभी 1 मिनट का होता है, कभी एक झलक होता है, कभी एक डायलॉग हो जाती है और बहुत छोटा सा एक आपको कैमियो अपीयरेंस नजर आएगा. अल्फ्रेड हिचकॉक अपनी हर फिल्म के अंदर, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, 99% फिल्म्स के अंदर अल्फ्रेड हिचकॉक ने अपना एक कैमियो अपीयरेंस जरूर दिया है. ओके, हिचकॉकियन जूम. Camera is pulled away from a subject while the lens zoom in or vice versa to create an unsettling visual effect. इसको हम vertigo effect भी कहते हैं और ये जो Hitchcockian zoom है इसके अंदर हम दो चीजों को use कर रहे होते हैं, एक dolly in और दूसरा zoom. Dolly और zoom को हम एक साथ use करते हैं. अगर हम dolly in use कर रहे होंगे तो साथ में हम use करेंगे zoom out. Dolly in pair up होता है zoom out के साथ, dolly out pair up होता है zoom in के साथ. अगर हम कैमरे को dolly out कर रहे हैं, ये dolly out हम ऐसे कैमरे को कर रहे हैं तो on the other hand कैमरे के ऊपर जो zoom का ऑप्शन होता है वो हम zoom in करेंगे यानी dolly out and zoom in, तो वो हमें एक vertigo effect देगा. vice versa कर लें कि हम dolly in कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और जब हम dolly in कर रहे हैं तो कैमरे पे जो zoom का ऑप्शन है उसको हम out कर रहे होते हैं. तो इस तरीके से हम हिचकॉकियन zoom बनाते हैं जो कि हमें बड़ा एक unusual style देता है. और ये जो हिचकॉकियन zoom है इसको हम vertigo shot भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले vertigo फिल्म के अंदर अप्लाई किया था, birds के अंदर अप्लाई किया है और स्टीवन स्पील्सबर्ग अपनी बहुत सारी फिल्म्स के अंदर इसको अडेप्ट कर चुके हैं जैसे जॉस फिल्म उनमें सबसे ऊपर है.
ओके, अल्फ्रेड हिचकॉक ने 1979 तक फिल्म बनाई है। फिल्म के सेट के ऊपर वो हमेशा 1979 तक काम करते रहे हैं। उनका जो लेट वर्क है जिसको हम कहते हैं बर्ड्स, मार्नी, फैमिली प्लॉट, वो बहुत ज्यादा अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। और ही डाइड इन हिज स्लीप, व्हिच इज आयरोनिक बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी फ्रॉम हिज फिल्म्स। तो ये अल्फ्रेड हिचकॉक के बारे में एक छोटा सा प्रीव्यू था। आई होप यू हैव लाइक इट और आपको समझ में आ गया होगा। So stay tuned for more lectures on Shoaib's art lessons. Thank you. Stay blessed.